दोस्तों, अगर मैंने आपको पूछूं जिंदगी क्या है, तो ऐसे में आपको होगी भाई जिंदगी जीते जागते किसी भी प्रकार के जीव या प्राणी जो वास्तविक में मौजूद है और हरों चीज को महसूस कर पाते, देख पाते, समझ पाते, वही है जिंदगी, जो कि इसे हम खुद के जिंदगी के साथ वाकिफ है। लेकिन क्या आप कभी मान सकते हम रियलिटी में जो कुछ भी कर रहा है, देख रहा है या समझ रहा है, ये सारा कुछ एक भ्रम, जो कि इसे हम कभी वास्तविक में नहीं मान सकते। पर साइंस एक ऐसी चीज जो हर किसी के नेगेटिव मतलब को सामने लाते हैं, तो इसी साइंस थ्योरी के अनुसार हमारी रियल टाइम के जिंदगी के पीछे ऐसा ही कुछ रहस्य छिपी है, जिसे हमारे लिए समझना तो दूर, हम कभी एहसास भी नहीं कर पाते। मानो आप कोई वेबसाइट में विजिट की है, वहाँ आप देख रहे हैं कई सारी आर्टिकल, पिक्चर, वीडियो, ये सारा कुछ फंक्शन एक डिजाइन में है। लेकिन क्या आप कह सकते इस डिजाइन या प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए बैकग्राउंड में कौन सी कोडिंग किया गया, जो कि इसे कहना नामुमकिन। असल में जो चीज़ जैसे दिखती है वो बाकी में ऐसा नहीं होती। सेम उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसा ही है, जिसे मैट्रिक्स थ्योरी के अनुसार दिखाया गया एक मायाजाल या सपना। पर ये मैट्रिक्स थ्योरी है ही क्या, और ये दुनिया एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर, आखिर ऐसा क्यों? जैसे कि हम इंसान अब तक हमारी सोच और विचार से समझते आए, ये दुनिया बाकी में 3D होलोग्राम या झूठा बिल्कुल भी नहीं हो सकते। रियलिटी असल में रियल, ये हमारी दिमाग के कैलकुलेशन कहते हैं, जो कि गढ़ कीजिए दूर दूर तक आपके आसपास की दुनिया को, कितनी कलरफुल रंगीन पेस, इसे हम सच की डायरी से कभी हटा नहीं सकते। लेकिन क्या ये वास्तव में ऐसी है? असल में रोशनी के अलग अलग वेवलाइन को आपके दिमाग आँखों के जरिए उस इन्फॉर्मेशन को माप रहा है और आपको इस दुनिया वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिमाग रोशनी के वेवलाइन या इन्फॉर्मेशन को सच मान रहा है। तो ऐसे में इस छलोना में जीना कि दुनिया ऐसी है जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल। आखिर ऐसा क्यों, आपको आगे मैट्रिक्स थ्योरी में समझ आ जाएगी। पर इससे पहले ये दुनिया एक प्रोजेक्टर, इसे समझने के लिए आप जो लेटेस्ट थ्योरी, जो ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म चीज से क्या ही मैटर पार्टिकल को समझ सकती है, वो है स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी, इसे समझना जरूरी होगी। चाहे तो आप स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर एक पूरी वीडियो आई बटन या चैनल पेज में देख सकते। बेसिकली ये थ्योरी सटीक तरह से काम करती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम, जो कि ये 4 डायमेंशन में काम नहीं करती, बल्कि 11 डायमेंशन की जरूरत है इसके मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को प्रूव करने के लिए। अगर ये 11 डायमेंशन नहीं होती तो ब्रह्मांड भी कभी स्टेबल नहीं रहती, यानी ब्रह्मांड के कोई अस्तित्व नहीं होता। पर जैसे कि दुनिया एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर, ये कोई बकवास या जोक नहीं, बल्कि ये हमारी आधुनिक साइंस थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आज भी लोग इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते, इसीलिए कुछ लोग इसे धार्मिक, परमात्मा, आत्मा, पता नहीं क्या क्या आधा अधूरा समझते रहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लेन की बात करेंगे। शायद ये आपको साईफाई मूवी जैसी लगे, पर इसी साईफाई मूवी फ्यूचर या भविष्य में वास्तविकता का साज बनेगा। तो जैसे कि इमेजिन कीजिए, आप एक 3D मूवी देख रहे हो। 3D मूवी में कैसी रहती है, जो कि आप एक 2 डायमेंशन स्क्रीन में 3 डायमेंशन का पिक्चर देखते हो, यानी हम किसी तरह 2 डायमेंशन के स्क्रीन पर 3 डायमेंशन का इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और हमारी आंखें धोखा खा जाती है 2 डायमेंशन की दुनिया को 3 डायमेंशन समझकर। तो ऐसे ज़्यादा डायमेंशन को कम डायमेंशन में कन्वर्ट की हुई मॉडल को कहा जाता है होलोग्राम, और ये जिस सिद्धांत पर आधारित होती है वो है होलोग्राफिक प्रिंसिपल। क्या सच में हमारी दुनिया भी कुछ ऐसी हो? दुनिया में हम जो भी देख रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन 11 डायमेंशन में मौजूद है, लेकिन वो हमारी आंखों में एवोल्यूशन के अनुसार 3 डायमेंशन में ही दिखाई देती है, यानी हमारी दिमाग एक प्रकार के होलोग्राफिक प्रोजेक्टर, जो कि ये सिद्धांत आज स्ट्रिंग थ्योरी के साथ क्या सवालों की जवाब दे रहा है। बेसिकली होलोग्राफिक प्रिंसिपल की जो कैलकुलेशन है वो ब्रह्मांड में 11 डायमेंशन नहीं बल्कि 1000 डायमेंशन होने की सबूत देती है। पर जैसे कि हम स्ट्रिंग थ्योरी में जाना, ब्रह्मांड 11 डायमेंशन में है, लेकिन क्यों हमें सिर्फ 4 डायमेंशन ही दिखाई देती है, जिसमें 3 डायमेंशन है पेस के और 1 डायमेंशन है टाइम का। डायमेंशन जो हम समझ रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि ब्रह्मांड में किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देखने और महसूस करने की नजरिया है, ना है ये कोई वास्तविकता। जैसे ये है नरेंद्र मोदी के होलोग्राम, जो वास्तव में यहाँ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग उन्हें यहाँ होने के सच मान रहा है। इसी होलोग्राम के ऊपर डिपेंड करके दुनिया में कई सारे प्रोग्राम किया जाते हैं, लेकिन लोगों को इसके पता भी नहीं चलता। आज की लॉकडाउन जैसी स्थिति
फ्यूचर में होलोग्राफी कुछ ऐसी टेक्निक बनेगा जो लोगों के ब्रेन को कंट्रोल करेगी किसी घर में बैठे। तो जैसे कि इस होलोग्राफिक सिद्धांत प्राप्त हुई थी ब्लैक होल के ऊपर स्टडी करके। बेसिकली ब्लैक होल 3 डायमेंशन की ऑब्जेक्ट होती है, बट रिसर्च में देखा गया ब्लैक होल के अंदर क्या कितना मैटर है उसे जानने के लिए गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप केवल सरफेस यानी सतह की स्टडी करके जान सकते हो उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन छिपी है। तो इससे आप समझ सकते हैं यहाँ ब्रह्मांड खुद इशारा कर रहा है होलोग्राफिक सिद्धांत मौजूद होने की, बट डिफरेंस केवल हमारी देखने और महसूस करने की नज़रिया, जो कि इसी सिद्धांत की वजह से हम 11 डायमेंशन को महसूस करते हैं केवल 4 डायमेंशन में रहकर। लेकिन वास्तव में स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 11 डायमेंशन की होना ये बिल्कुल सच, क्योंकि इसके अलावा ब्रह्मांड का भी स्टेबल नहीं रहती, यानी ब्रह्मांड के कोई अस्तित्व नहीं होती। तो इससे आप समझ सकते हैं शरीर के हर वो पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहा है 11 डायमेंशन में, पर आप उसे महसूस कर पा रहे हो सिर्फ 4 डायमेंशन में, जो कि यह आपके लिए अपनी फीलिंग या अपनी रियलिटी है। बट ये रियलिटी सभी के लिए समान तरह से काम नहीं करेगी एवोल्यूशन की वजह से या अलग अलग प्रजाति के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होकर आपके आँखों में आते हैं तब उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग एक आकार देती है जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को पहचान कर पाते हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन को कोई कमजोर दिमाग वाले इंसान या किसी भी तरह के जीव सटीक तरह से कैप्चर नहीं कर पाते तो उसे ऑब्जेक्ट अलग रूप में दिखेगी, मतलब एक HD रिकॉर्डेड वीडियो जो आपके स्क्रीन टच मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है और आप उसे देख रहे हो पिक्चर के ओरिजिनल क्वालिटी में। लेकिन वही HD वीडियो को जब आप किसी क्यूपैड मोबाइल में चलाते हो तो नॉट सपोर्ट दिखाएगी, जो कि उसके प्रोसेसर के लिए चाहिए 360p वीडियो। जब वीडियो को HD से 360p में कन्वर्ट करोगी तब देखेंगे क्यूपैड मोबाइल में पिक्चर के कलर, स्पीड, वॉइस हर कुछ क्वालिटी बदल चुके हैं। शायद इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लाल कलर के चीज़ को देख रहे हो तो दूसरे ने भी उसी चीज़ को सेम कलर में देखे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। मतलब जो चीज़ आपके लिए लाल कलर है दूसरे आदमी वही लाल चीज़ को नीला कलर में देख रहा हो और उसे लाल समझ रहा हो, जो कि मूवमेंट सेम बट ऑब्जर्वेशन अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे दिमाग इन्फॉर्मेशन से ऑब्जेक्ट की पहचान दे रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन हर किसी प्राणी के लिए एक तो नहीं हो सकता, शायद एवोल्यूशन की वजह से या न्यूरॉन की कारण। तो बात यह है कि कौन किस तरह कितने तक इन्फॉर्मेशन को सटीक तरह से कैप्चर कर पा रहा है। इससे आप समझ गए होंगे ये दुनिया जैसे कि हमें दिखती है वैसा बिल्कुल भी वास्तव में नहीं। चलिए इसके लिए और एक छोटी सी एक्सप्लेन करते हैं, आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक फ्लावर है जिसे आप दिन में ब्लू कलर में देख रहे हो, लेकिन जब आप उस फ्लावर को रात में टॉर्च या आर्टिफिशियल लाइट से दिखोगी तब उसके रंग अलग तरह दिखेगी। तो ऐसे में कलर एक जैसे देखना चाहिए था, राइट? पर ऐसा क्यों नहीं, जो कि वो है लाइट के इंटरेक्ट की वजह से। मतलब ये कलरफुल दुनिया वास्तविक में सच नहीं, रोशनी के इंटरेक्ट के साथ हमारी देखने के नज़रिया भी बदल जाते हैं। तो जैसे कि आप सोच सकते हैं ये दुनिया और कुछ नहीं बल्कि एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर जो हमारी दिमाग में कई इन्फॉर्मेशन से बना है, पर इससे बिल्कुल अलग होगी मैट्रिक्स थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हम जिस स्थिति में जो भी है वो एक माया जाल के ऊपर डिपेंड करके, यानी हमारी असली अस्तित्व कहीं और है। बट मैट्रिक्स थ्योरी के ऊपर कई सारी बातें हैं, अगर डिटेल में एक्सप्लेन करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दूसरी वीडियो में इसे पूरी तरह जानेंगे। मैट्रिक्स थ्योरी के वीडियो को मिस मत करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, डेफिनेटली आपके दिमाग को कन्फ्यूज में डाल देगी। मज़े की बात यह है जैसे कि हम जाना था हर साईफाई मूवी में कुछ ऐसी साइंस होती है जो फ्यूचर में वास्तविकता का साज होगी। बेसिकली हम ज़्यादातर मूवी में रोमांस, कॉमेडी, एक्शन को महत्वपूर्ण समझते हैं, साइंस वाले पार्ट को नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना साईफाई मूवी के केवल साइंस वाले पार्ट को आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। इसके ऊपर आपके क्या विचार है हमें कमेंट करें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपके दोस्त शिव प्रसाद।